हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर वन नोइंग आवर नंबर्स जो एनसीईआरटी की बुक है हमारी उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.1 करेंगे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, 1 लाख इज इक्वल टू कितने, 10,000। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 1 लाख को हम लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और लाख, यानी कि ऊपर लिख लो वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 एंड लाख। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन के नीचे इज इक्वल टू का साइन हम लगाएंगे और व्हाट की जगह हम क्या लिख लेते हैं, एक्स लिख रहे हैं हम, और 10,000 की जगह हम क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000, है ना, 10,000। तो 0,0,0,0,1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक ज़ीरो हटाएंगे और तो यहाँ से भी एक ज़ीरो हटाएंगे क्योंकि इक्वल का साइन लगा हुआ है, तो हम इसको बराबर कर सकते हैं। इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हटाएंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हटाएंगे, इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को हटाएंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा, एक्स, और यहाँ पे क्या बचा, 10 इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 10। तो यानी कि 1 लाख बराबर कितना है हमारा, 10,000। एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है फिल इन द ब्लैंक्स, 1 लाख इज इक्वल टू कितने, 10,000। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 लाख लिखेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख। तो ये लाख हो गया हमारा, 1 लाख में कितने ज़ीरो हो गए, 5 ज़ीरो। इसी वॉट की जगह मतलब ये लगाया कि यहाँ पे कितने 10,000 है, उसकी जगह हमने क्या लिख लिया, एक्स, और 10,000 के लिए हमने क्या लिख लिया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, यानी कि 10,000 में कितने ज़ीरो हैं हमारे, 4 ज़ीरो। तो यहाँ से हमने जितने ज़ीरो हैं वो यहाँ से हमने कट कर दिए, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो हम लिख सकते हैं 1 लाख हमारे कितने के बराबर है, 10,000। क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मिलियन इज इक्वल टू 100,000। तो अब 1 मिलियन हम कैसे लिखेंगे, 1 मिलियन हम लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, हंड्रेड थाउजेंड और मिलियन। ठीक है, तो 0,0,0,0,0,0 और 1। ठीक है, जो मिलियन हमारा कौन सा नंबर है, हमारा इंटरनेशनल नंबर है, तो इंटरनेशनल नंबर में हमारी कौन सी टर्म आ जाती है, 100,000। 100,000 के बाद हमारा क्या आता है, मिलियन, इज इक्वल टू व्हाट की जगह हमने क्या लिख लिया, एक्स, और 100,000 हम लिखेंगे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 100,000। तो 0,0,0,0,0 और 1। ठीक है, तो अब हम वही करेंगे, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो, दूसरे ज़ीरो से दूसरा, तीसरे से तीसरा, चौथे से चौथा और पांचवें से पांचवा, हमने कट कर दिया, तो हमारा क्या बचा, 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू हमारी, इस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो हम लिख देंगे कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10,100,000। इस क्वेश्चन में हमने क्या करा, 1 मिलियन की जगह हमने 1 मिलियन की वैल्यू लगी। इंटरनेशनल नंबर में क्या होता है, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, 100,000 और 100,000 के बाद क्या आता है, मिलियन। फिर व्हाट की जगह, खाली स्थान है यहाँ पे, फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसकी जगह हमने एक्स लिख लिया, और 100,000 को हम इंटरनेशनल नंबर में कैसे लिखते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और 100,000। तो ये 100,000 की वैल्यू लिख दी हमने। ठीक है, और यहाँ से ज़ीरो कट कर दिए इधर से और इधर से, तो एक्स की वैल्यू आ गई 10। तो यानी कि 1 मिलियन हमारा क्या हो गया, 10,100,000। ओके, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 करोड़। अब 1 करोड़ हमारा किस में होता है, इंडियन नंबर्स में, तो लिखते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड,
थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, तो 0,0,0,0,0,0,0,1 ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट की जगह हमने लिख लिया x, और 10 लाख की जगह हम क्या लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लाख और 10 लाख, तो 0,0,0,0,0,0,1। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, अब हम यहाँ से ज़ीरो कट करेंगे, 1 0 से 1, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 6 से 6, तो यानी कि यहाँ पे हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि 1 करोड़ इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 लाख। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने मिलियन, 1 करोड़ इज इक्वल टू कितने मिलियन। तो 1 करोड़ की जगह हम लिखेंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। ठीक है, इज इक्वल टू व्हाट की जगह हमने लिख लिया एक्स, और मिलियन हमारा किस में होता है, इंटरनेशनल नंबर में। तो इंटरनेशनल नंबर में क्या होता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000, फिर क्या होता है हमारा, मिलियन। तो 0,0,0,0,0,0 और 1। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ से हम नीचे लिख देते हैं 0,0,0,0,0,0,0,1 इज इक्वल टू, अब इसको उतारते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, मैं वही करा, 1 करोड़ की वैल्यू यहाँ लिख दी, और इज इक्वल टू एक्स हमारा रह गया, और ये हमने 1 मिलियन की वैल्यू लिख दी। अब हम वही करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, 1 0 से 1 0, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, 5 में से 5, 6 से 6। तो वही हमारा आंसर आ गया, 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि 1 करोड़ भी हमारा किसके बराबर होता है, 10 मिलियन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, 1 मिलियन, मिलियन किस में होता है हमारा, इंटरनेशनल नंबर में। इंटरनेशनल नंबर्स में क्या होता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, लाख, 10 लाख और सॉरी, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, फिर हमारा होता है मिलियन, इज इक्वल टू व्हाट की जगह हमने लिख लिया एक्स, और लाख। ठीक है, तो अभी तो हम उसकी वैल्यू लिख रहे हैं 1 मिलियन की, तो 0,0,0,0,0,1 और लाख हम कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और लाख, 0,0,0,0,0,1, 1 0 से 1 0, 2 से 2, 3 से 3, 4, 5 में से 5। तो वही हमारी 10 की वैल्यू क्या आ गई, x, यानी कि हमारा 1 मिलियन भी क्या होता है, हमारा 10 लाख के बराबर होता है। तो यही हमारा आंसर।